कि मैं मुसाफिर खाने में बंबई में काम करता था, तो एक आदमी मेरे पास आया, कहा मौल साहब हज में जाना है मुझे, वजीफा बताओ। तो मैं उसको कहता था देख हज में जाना है तो दो वजीफे हैं, एक तो है तो लोगों को हज की दावत दे, ये भी हज करो, अभी हज करो, वही हज करो, वे हज करो, तुम पर हज फर्ज है हज करो, और दूसरा ये खैर फर्ज नमाज के बाद लब्बैक पढ़ा कर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, जोर जोर से मत पढ़ना वरना लोग मारेंगे तुझको, ये मक्का वाले लब्बैक यहां कहां पढ़ रहा है ये, और किसी मौलवी से पूछना मत। ये अब्बा ने कहा, मैं उसको कहा किसी मौलवी से मत पूछना वरना फतवे लगाएगा, वो कहेगा अरे हदीस में तो नहीं है, तो तू चुपके पढ़ते रहना। तो अब्बा फरमाते थे कि हम हज में पहुंचे और तवाफ कर रहे थे मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के साथ, और वो हमारे आगे आगे तवाफ कर रहा था, वो जो था वो हमारे आगे आगे तवाफ कर रहा था। अरे मैंने कहा भाई नुसरत रहमतुल्लाह भाई तुम यहां कैसे आ गए, बोले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ता हूं और रोजाना दावत देता था, तो अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, करने वाला तो अल्लाह है ना। तो अब्बा वर ये किस्सा भी सुनाते थे साथ में, इसलिए मुझे किस्सा याद आ गया कि बहुत मेरे पीछे रहता था, मुसाफिर खाने में काम होता था हज्जियों का, वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह वहां बयानत होते थे। जो नई नस्ल है इन्होंने तो अब्बा को देखा नहीं, लेकिन जो पुरानी जो बड़े लोग हैं उन्होंने अब्बा के बयानात मजमू के अंदर इधर उधर बहुत सुने, साथ में रहे भी हैं निजामुद्दीन मरकज में। तो अब्बा कहते थे कोई मेरे पास आवे तो मैंने कहा तुझे हज करना है, बोले हाँ मौल साहब हज करना है, तो रोजाना लोगों को हज की दावत दे, जिस अमल में हमारी कोताही हो उस अमल की दावत दो, उस अमल को अल्लाह मजबूत कर देगा हमारे लिए। नमाज में हमारी कोताही है, क्योंकि कोताही है नमाज में, तो क्या करें, यूं का नमाज की दावत दो और नमाज पढ़ने की कोशिश करो, नमाज की दावत दो तो आपकी नमाज मजबूत हो जाएगी। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे गश की कोताही है, कि गश होता नहीं है तो चलो नहीं होता, चलो कोई फर्ज नहीं है तुम नहीं करते, लेकिन दावत तो दो तो अल्लाह तुम्हें गश करने की तौफीक भी दे देगा। चिल्ले भी नहीं जाते हम, कोताही हो रही है भाई तुम दावत तो दो, किसी को कहो तो सही, वो अल्लाह ताला फिर उसका असबाब बनाएगा, और कैसे असबाब बनाएगा हम नहीं सोच सकते। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन अक्थरन नास ला यालमून। अल्लाह कहते हैं हमारा मामला गालिब है, लोग नहीं समझते। ला यालमून ए ला यफ़क़हून, मुफस्सिरीन ने लिखा है समझते नहीं है ये लोग, जानते भी नहीं समझते भी नहीं,